हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआईएस इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको इनपुट डिवाइस के बारे में बताया था। तो फर्स्ट इनपुट डिवाइस थी हमारी कीबोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड है माउस। माउस क्या है? एक पॉइंटर डिवाइस होती है जिसका यूज़ चित्र या ग्राफिक्स के लिए किया जाता है ना। अपन हम इसका यूज़ माउस पर क्लिक करने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें तीन बटन होती हैं जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। माउस को हिलाने पर स्क्रीन पर पॉइंटर मूव करता है और इसके नीचे, आपको पता होगा, इसके नीचे एक बॉल लगी होती है ना। माउस के कार्य, माउस में हम क्लिकिंग कर सकते हैं, डबल क्लिकिंग कर सकते हैं, राइट क्लिकिंग कर सकते हैं, इसके हेल्प से हम ड्रैगिंग कर सकते हैं। इसके बाद इसमें स्क्रोलिंग को भी कर सकते हैं। जो बॉल लगी होती है इसमें, उसके द्वारा, ये दिख रही है आपको ये बॉल, इससे क्या कर सकते हैं, हम स्क्रोलिंग कर सकते हैं, ठीक। माउस के प्रकार, माउस तीन प्रकार के होते हैं, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल माउस और कार्डलेस माउस। ये क्या होते हैं माउस के प्रकार? फर्स्ट है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस होते हैं, उनके निचले भाग पर एक रबड़ की गेंद लगी होती है और जब हम माउस को घुमाते हैं तो उस गोल के अंदर वो गेंद क्या होती है, घूमती है, ठीक है। अंदर घूमने से जो उसका सेंसर होता है वो कंप्यूटर को सिग्नल देता है। ये दिख रही है आपको बॉल, इस टाइप की बॉल लगी होती है मैकेनिकल माउस में। इसके बाद है ऑप्टिकल माउस, मतलब प्रकाशीय माउस। नाम से स्पष्ट है प्रकाशीय ना, इसमें एक लाइट चलती है यहाँ पे, ठीक है, नीचे साइड में। तो ऑप्टिकल माउस क्या होते हैं, ये एक नए प्रकार के नॉन मैकेनिकल माउस है जिसमें प्रकाश के एक पुंज, मतलब किरण, उसके निचले सतह, माउस की सतह यहाँ पर, सतह पर क्या होती है, उत्सर्जित होती है। उसके परिवर्तन के ही आधार पर ऑब्जेक्ट की दूरी और गति तय की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कार्डलेस माउस। कार्डलेस माउस क्या होता है? कार्डलेस माउस में वायर वगैरह कुछ नहीं होते हैं, यह केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी टेक्निक की सहायता से ही आपके कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है। इसमें कंपोनेंट्स ट्रांसमीटर और रिसीवर होते हैं। ट्रांसमीटर माउस में होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के द्वारा माउस की गति तथा क्लिक करने की इंफॉर्मेशन को भेजता है। रिसीवर जो कंप्यूटर से जुड़ा होता है और सिग्नल को प्राप्त करता है। ये देखिए इस टाइप से, ये आपको दिख रहा है स्विच, इसको लगाना पड़ता है तब जाके हमारा कार्डलेस माउस ऑन होता है। इसके बाद है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या है? जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज बच्चे जो होते हैं वो कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ट्रैकबॉल। ट्रैकबॉल भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो कि माउस की तरह ही कार्य करती है, पर इसमें क्या होता है, इसकी उभरी हुई सतह पर एक बॉल लगी होती है इस टाइप की, तथा इसमें कुछ बटन्स होती हैं। इसको पकड़ते समय गेंद, मतलब ये जो गेंद होती है, इसे बॉल, ये गेंद पर अपना अंगूठा रखना होता है, ठीक है, तथा इसकी उंगलियों से हम क्या करते हैं, बटन को प्रेस करते हैं। इसका उपयोग लैपटॉप, मोबाइल, रिमोट आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है लाइट पेन। लाइट पेन क्या है? लाइट पेन का यूज कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी ग्राफिक्स बनाने के लिए किया जाता है। लाइट पेन में एक प्रकाश संवेदनशील कलम की तरह ही एक युक्ति है। देखिए, जैसे हमारे नॉर्मल पेन होते हैं उसमें जैसे लीड होती है, उस टाइप की यहाँ पे क्या होता है, पॉइंट होता है, ठीक है। इसके ही द्वारा हम इसमें डायग्राम्स को, ग्राफिक्स को क्रिएट कर सकते हैं और लाइट पेन का उपयोग करके ऑब्जेक्ट को भी चयन कर सकते हैं। इसमें बनाया गया कोई भी ग्राफिक्स कंप्यूटर पर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, और उसमें हम एडिटिंग भी बाद में कर सकते हैं। नेक्स्ट है टच स्क्रीन। टच स्क्रीन तो आप सब जानते होंगे, ये टच स्क्रीन है। मोबाइल भी आजकल टच स्क्रीन चल रहे हैं। यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसमें एक ही डिस्प्ले होती है और यूज़र किसी पॉइंटर डिवाइस की वजह से या अपनी उंगलियों को स्क्रीन पर स्थित करके किसी ऑब्जेक्ट का चयन कर सकता है ना। आजकल इसका यूज़ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, शॉपिंग मॉल, ATM आदि में किया जाता है। नेक्स्ट है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है BCR, है ना। यह प्रोडक्ट, जो अपने प्रोडक्ट होते हैं
उसके ऊपर छपे इस टाइप से लाइनिंग आती है प्रोडक्ट के ऊपर। आपने देखी होगी कोई भी पाउडर का डब्बा हुआ या पेन वगैरह हुआ, उसमें इन साइड की क्या आती है, लाइनिंग आती है। तो वो जो लाइनिंग होती है उन्हें क्या बोलते हैं, बारकोड रीडर। उसको पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, उत्पाद की कीमत तथा संबंधित दूसरी इंफॉर्मेशन को इसके द्वारा हम प्राप्त कर सकते हैं। स्कैनर, स्कैनर तो आप लोग जानते होंगे, यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ये कंप्यूटर में किसी भी पेज पर बनी हुई पिक्चर्स या इंफॉर्मेशन को सीधे कंप्यूटर में इनपुट कर देता है। इससे यूज़र को यह फ़ायदा होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसे हमें टाइप करने की आवश्यकता नहीं होती, और जिस प्रकार से वो इन्फॉर्मेशन रियल में दिखती है वही हम स्कैन करके उसको सिस्टम पर ला सकते हैं। ओ एम आर का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कागज पर पेंसिल या पेन के अंकों को उपस्थित या अनुपस्थिति को दर्शाता है। ठीक है, इसमें कागज पर प्रकाश डाला जाता है और परिवर्तित प्रकाश को क्या करते हैं हम, जांचा जाता है। ठीक है, ओएमआर शीट देखी होगी आपने, एग्जाम हॉल वगैरह में हमको दी जाती है, जिसमें हम गोले भरते हैं, है ना। एग्जाम जब कॉम्पिटिशन एग्जाम दिए जाते हैं उस टाइप के, उसमें जो यूज होती है वो कहलाती है हमारी ओएमआर शीट। ये इस टाइप से यहाँ से हम शीट डालते हैं, बीच में लाइटिंग प्रकाश जो होता है वो यूज़ होता है, और यहाँ से हमारा प्रिंटिंग के द्वारा वो निकल जाता है। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। इसको इसका दूसरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर भी होता है। यह एक ऐसी तकनीक होती है जिसका यूज़ विशेष प्रकार के चिन्ह, अक्षर या नंबरों को पढ़ने के लिए किया जाता है। ये जो उपकरण है इसमें टाइपराइटर में छपे हुए कैरेक्टर, कैश रजिस्टर के कैरेक्टर और क्रेडिट कार्ड के कैरेक्टर को भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है एटीएम। एटीएम का नाम, एटीएम का पूरा नाम होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह एक ऐसा यंत्र होता है जो प्रायः बैंक में, शॉपिंग मॉल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, बस स्टैंड और भी अन्य मार्केटिंग सभी जगहों पर मिल सकता है। इसकी सहायता से आप पैसा जमा कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। ठीक है, ये हमें 24 घंटे उपलब्ध रहती सुविधा। नेक्स्ट है MICR। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसका यूज़ बैंकों में किया जाता है, जहां लोगों को चेक जो होती है बड़ी संख्या के साथ काम करने होता है, वहां पर इसका यूज़ किया जाता है। यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर ये लिखा हुआ है, ये देखिए, ये यूज़ इसको पढ़ने के लिए किसका यूज़ करते हैं, MICR का। इसमें एक चुंबक की स्याही से छपे हुए कैरेक्टर को पढ़ने के लिए यूज़ किया जाता है। यह मशीन तेज व स्वचालित होती है, साथ ही इसमें गलतियाँ होने के अवसर बिल्कुल ना के बराबर होते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।